with support of AI and Media Hero. Our sustainable is our tech to create India's first platform for young innovation. Our sustainable. पंजाब केसरी भी देखते रहिए और मुझे भी देखते रहिए। छोटे छोटे शहर और गांव में से यूनिकॉर्न्स पैदा हो, जो कहीं दुनिया में किधर भी ऐसा शो है नहीं। नहीं यार, हम एक ऐसी आर्मी को लेके चल रहे जो कभी हार नहीं सकती। ऐसे लगे हुए हैं जैसे उनके अपने बच्चे हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 3 सक्सेसफुल सीज़न के बाद ये चौथा सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो इससे ऑडियंस क्या कुछ एक्सपेक्ट करेगी, क्या कुछ नया होगा इस सीज़न में? देखिए, ये फर्स्ट सीज़न है इसका, क्योंकि ये हॉर्सेस टेबल जूनियर है। इसके पहले हॉर्सेस सीनियर जो था वो सीनियर्स के साथ था और बहुत ही सक्सेसफुल रहा गुड न्यूज़ और आज तक पर। ये पहला सीज़न है हमारा, और कौन से प्लेटफॉर्म में आएगा ये हमें पता नहीं, लेकिन आएगा तो ज़रूर एक अच्छी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सुपर एक्साइटेड हूँ, और सुपर एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये 10 साल से लेके 17 साल के बच्चों के लिए है, और ग्रांट्स के थ्रू उनके आइडियाज़ को, उनके इनोवेशंस को, उनके सोच को पंख दिया जाएगा। एंड आई प्रे दैट दे फ्लाई। सर, ये आइडिया कैसे आया कि हम जूनियर को प्रमोट करें? जैसे इसके पहले हॉस्टेबल था तो उसमें जूनियर्स का नहीं था, लेकिन इस बार है कि हम जूनियर्स को कैसे अपनी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उनको प्रमोट करें, तो इस चीज़ का आइडिया कैसे आया सर? देखिए, ये आइडिया डॉक्टर चिंतन जी की बेटी ने दिया था हमारे पार्टनर को, प्रशांत को, और कहा था कि जूनियर्स का बहुत अच्छा बड़ा आइडिया, और नीति आयोग और अटल इंक्यूबेशन मिशन भी चाहते थे कि बच्चों को इनक्रेज करें, ताकि इंडिया इंडिया के आज के बच्चे, आज के वैसे भी 4 साल का बच्चा पहले के 14 साल के बच्चे की तरह दिमाग लेकर पैदा होता। तो आई थिंक इसीलिए इनक्रेज करना चाहते थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की भी ड्रीम यही है कि यू नो, एक स्टार्टअप इंडिया को और बच्चों को एडुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंटीरियर इंडियाज़ में बच्चे इंस्पायर होने चाहिए एडुकेट होने के लिए। आई थिंक इस सोच की वजह से ये आइडिया की पैदाइश हुई, और ये वी आर टुडे आज अनाउंस करते हुए हॉस्टेबल जूनियर। बिल्कुल, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, और अब इस शो में नीति आयोग की भी सपोर्ट मिल रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो रहा है शो के लिए। तो क्या हमारे ऑडियंस की इससे उम्मीदें जो हैं और ज़्यादा बढ़ रही हैं, लाइक इस शो में कुछ और नया देखने को मिलेगा, लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इस बार? एब्सोल्युटली, कम्प्लीट मेंटोरशिप ग्रांट्स के साथ साथ, कोऑपरेट ग्रांट्स के साथ साथ मेंटोरशिप मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, सभी की तरफ से बहुत सारा इनकरेजमेंट मिलेगा। और जब हेड ऑफ द कंट्री ये चाहते हैं कि देश की प्रगति हो और बच्चे आगे बढ़े, और छोटे छोटे शहर और गांव में से यूनिकॉर्न्स पैदा हो, आई थिंक फिर उस सोच को कौन रोक सकता है। यू नो, नीति आयोग, अमिताभ कांत जी, डॉक्टर चिंतन जी ऐसे लगे हुए हैं जैसे उनके अपने बच्चे हैं। यू नो, अटल इंक्यूबेशन मिशन और अनीश और सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। यू नो, और ऐसे लगता है कि नहीं यार, हम एक ऐसी आर्मी को लेके चल रहे जो कभी हार नहीं सकती। इसीलिए हम भी बहुत ही एट हॉर्सेस टेबल FTC और मैं खुद भी बहुत ही चार्ज्ड है इस शो को लेकर, क्योंकि छोटे बच्चे, यू नो, कल यहाँ से कोई मस्क और कोई जीनियस बन के इंडिया से बाहर जा सकता है, बिल गेट्स यहाँ से निकले। ऑलरेडी आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप ये सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो इस शो से जुड़ने का आपको आइडिया कैसे आया? मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आप इस शो से जुड़ गए, उसके पीछे भी? बहुत सारे बच्चे ऑन अ रेगुलर बेसिस एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं मेंटोरशिप के लिए, क्योंकि एक्टर जो होता है वो मार्केटिंग के टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी मांगते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो दोनों मेरे कनेक्शंस, इसको अगर मैं एक साथ ले आऊँ और मेरे लीडरशिप के अंडर अगर मैं ये इनक्रेज करूँ तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकता है। और वैसे ही हुआ, हॉर्सेस टेबल 1-2, फिर हमारे साथ सही पार्टनर्स जुड़े, नेटवर्क जुड़ा, आज तक जुड़ी, एंड यू नो, इंडिया टुडे, एंड उस वजह से रीच भी 4 गुना हो गया। तो वो
अच्छे पार्टनर्स के जुड़ने के वजह से, नीति आयोग और सभी के जुड़ने के वजह से आई थिंक वी आर वेरी वेरी सक्सेसफुल टुडे। सर अभी तो सक्सेसफुल है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या कुछ स्ट्रगल भी देखना पड़ा था जब लाइक शो स्टार्ट हुआ था? उस टाइम जब इतने लोग नहीं जुड़े थे तो उस टाइम क्या कुछ स्ट्रगल देखना पड़ा था इस शो को रीच दिलाने के लिए? या और इसीलिए सीज़न वन रहा, लेकिन वो यूट्यूब पे ही रह गया। लेकिन जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, प्राइम मिनिस्टर की विजन और स्टार्टअप इंडिया, वो सब आइडियाज़ और थॉट्स और इंस्टीट्यूशंस आने लगे तो अपने आप ये बड़ा होता गया और आज शायद इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल शोज। क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर्स की शो नहीं है, ये इन्वेस्टर्स की शो है, ये वीसीज की शो है जो पैसे डालते हैं और बच्चों को मेंटोर करते हैं। उनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिनको उन बच्चों के का या सीनियर्स का बिजनेस पता है और उसे एक गोल, एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं हाथ पकड़ कर। सर आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस प्रमोशन के लिए और भी काफ़ी सारे शोज आ चुके हैं, जैसे शार्क टैंक एग्जांपल में ले ले, ऐसे में क्या कंपटीशन भी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है? जहाँ भी लोगों को फ़ायदा हो, जितने भी लोगों को शार्क टैंक की वजह से और 50 लोगों को फ़ायदा हो जाए और 50 यंग एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे, तो मैं इस चीज़ को कॉम्पिटिशन नहीं मानता। जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो उसे आप कंपटीशन कैसे कह सकते हैं? मैं क्यों चाहूँगा कि शार्क टैंक फले फूले? नहीं, मैं चाहता हूँ कि शार्क टैंक 10 गुना ज़्यादा बढ़े ताकि और 100 बच्चों को मौका मिले। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हॉसेस टेबल भी वैसे ही बढ़े ताकि और 4 शोज हो जाए और 40 बच्चों को मौका मिले और एंटरप्रेन्योर्स आए कि हमें भी मौका चाहिए कि हम यंग इंडिया को प्रमोट कर सके। आई थिंक यहाँ कंपटीशन नहीं है, देश के बीच में नहीं है और ना ही चैनल्स के बीच में या कंपनीज के बीच में। जितने बच्चों को यहाँ फ़ायदा होगा अच्छा रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बिल्कुल। अब सर आप यहाँ हो तो हम बॉलीवुड से कुछ सवाल ना करें तो ये गलत हो जाएगा सर। आजकल सर बॉलीवुड में बॉलीवुड और वैसे साउथ जो हो रहा है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? लाइक ये वैलिड है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना, मतलब आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है ही नहीं क्योंकि मैं साउथ में भी काम करता हूँ, मैं हिंदी में भी काम कर चुका हूँ, मैं तमिल कन्नड़ा मलयालम में भी काम कर चुका हूँ और मैं मानता हूँ हमारी इंडस्ट्री एक है। लैंग्वेज भले ही अलग हो, देखते वही हैं जो लोगों को पसंद है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑडियंस को एंटरटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होना चाहिए और ना के पैसे कमाना। तो आई थिंक ये बातें हैं और ये बातें होती रहेंगी। आई थिंक नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन के आने के बाद, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद, आप एन शो का भी उतना ही मज़ा लेते हैं जैसे आप इंग्लिश शोज़ का मज़ा लेते हैं। तो लेट्स इन्जॉय इट एंड मे द बेस्ट मैन विन। सर अब तो आहान और आथिया भी लाइक मूवीज़ कर रहे हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, तो एज अ फादर आपके लिए वो कितना प्राउड मोमेंट है? बहुत ही ज़्यादा। पहली बात तो खुशी का मोमेंट ज़्यादा है क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बच्चे वो फॉलो करें जो उन्हें करना है, वो फॉलो करें जहाँ वो खुश रहें और जहाँ जिस पोजिशन में आथिया और आहान है और जिस इंडस्ट्री में है वो बहुत खुश है। और बच्चों की खुशी से ज़्यादा और उससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है, एंड इट डजंट मैटर। और मैं इफेक्ट के लिए कभी कुछ नहीं बोलता, मैंने हमेशा कहा है कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड दे आर फॉलोइंग देयर ड्रीम्स। और हर माँ बाप को मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने ड्रीम्स को फॉलो करने दीजिए, अपने ड्रीम्स को उनके ऊपर मत ठोसिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुखी हो जाएंगे। सर बॉलीवुड में हमें आपकी मूवी अब कब देखने को मिलेगी? बहुत ही जल्द, मेरे 2 शोज़ ख़त्म हो चुके हैं तो आई थिंक सितंबर और दिवाली के टाइम पे वो 2 बड़े शोज़ आएंगे और बाकी फिल्में भी मेरी शुरू हो रही है। और आई थिंक काफ़ी लंबे गैप और अरसे के बाद आप लोग दोबारा मुझे देखोगे और रेगुलरली देखोगे। ओके सर, इस शो के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप मैसेज देना चाहेंगे, लाइक इससे जुड़ने के लिए क्या कुछ करें या फिर कुछ ऐसा? नहीं, आई थिंक एनकरेज करना ज़रूरी है और एनकरेज आप देख कर ही कर सकते हैं। जिन बच्चों के बारे में आपको लगे कि आइडिया सुपर्ब है, उन्हें वो रीच दीजिए, वो पहुंच दीजिए ताकि वो जल्द ही सक्सेसफुल हो सके और हमारे इंडिया के यूनिकॉर्न्स बन सके।
अब तो सर इस शो को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो इस सीज़न में लाइक कुछ नया है बाकी सीज़न के मुकाबले, लाइक हमारी ऑडियंस से जानना चाहेगी कि कुछ नया कुछ आ रहा है इस सीज़न में। यस, बच्चे हैं, बच्चों के आइडियाज़ है, 10 to 17 जो कहीं दुनिया में किधर भी ऐसा शो है नहीं। ये फर्स्ट शो है जहाँ इतने छोटे बच्चों को कोऑपरेट के थ्रू ग्रांट्स दिया जाएगा, सो इट इज़ अ फर्स्ट इन एवरी वे, तो ज़रूर देखिएगा। और शायद कल आपके बच्चों में से एक होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को और अपने आइडियाज़ को पिच कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, जाने से पहले एक फाइनल मैसेज यही कि पंजाब केसरी भी देखते रहिए और मुझे भी देखते रहिए। थैंक यू सर। 14 करोड़ की फंडिंग हुई, वही इस नए सीजन में 22 करोड़ की ऑन द स्पॉट फंडिंग हुई। आपके लिए लेकर आ एक मौका, सपनों को सच्चाई में बदलने का, सक्सेस को बूटी में बदलने का।